लाहौल स्पीति में उपचुनाव जीतने को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार बैठकें और चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। इसी बीच 22 अप्रैल को अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लाहौल स्पीति चुनाव प्रभारी महेंद्र ठाकुर और सह मंडी लोकसभा चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह ठाकुर एक दिवसीय लाहौल का दौरा करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में बीजेपी की मीटिंग होगी और कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर ने इसको लेकर जानकारी दी। लोकसभा चुनाव हमारे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय केलांग में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूर्व परिवहन मंत्री, हमारे प्रभारी मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र गोविंद ठाकुर जी व महेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व जल शक्ति मंत्री यहां पर पधार रहे हैं 22 तारीख को, और उनका आगमन नॉर्थ पोर्टल में 11 बजे होगा और सम्मेलन का समय 12:30 का निर्धारित किया गया है। तमाम हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप सब यहां पर आए और सम्मिलित हो, और आने की हम रूपरेखा बनाएंगे। 1 जून को हमारे मतदान होने हैं, तो उस कार्यक्रम के लिए हम मोदी जी के और हमारा जो संकल्प पत्र है, उनके जो भी आदेश है हमें, उसकी किस तरह से पालना करनी है, रूपरेखा बनानी है, और हमारे ये पोलिंग बूथ स्तर तक किस तरह से हमने चुनाव प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में विशेष बैठक है।